अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सबिहा जावेद और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये पपाया ब्लीच का आपको रिव्यू प्लस डेमो करने वाली हूं। तो ये जो पपाया ब्लीच है ये प्योरस ब्रांड की है। पिगमेंटेशन और ब्लेमिश वाली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, साथ ही ये टैनिंग स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पपाये के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मोस्टली पिगमेंटेशन और ब्लेमिश वाली स्किन पर यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है वो 320 ग्राम है, जिसमें कि इसमें पोस्ट ब्लीच क्रीम की क्वांटिटी ऐड नहीं करी गई है, क्योंकि इसमें पोस्ट ब्लीच क्रीम जो है वो हमें फ्री दी गई है। यहाँ पर इसका एक लोगो लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि इस पर जो पोस्ट ब्लीच क्रीम है वो फ्री दी गई है, वो 149 रुपीज़ की है। इस ब्लीच की खासियत यह है कि कई ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी बात है कि यह हलाल ब्लीच है। जो हलाल प्रोडक्ट होते हैं उन पर मेंशन रहता है कि वो हलाल है, और इस ब्लीच के ऊपर मेंशन है कि ये हलाल प्रोडक्ट है। तो ये जो ब्लीच क्रीम है ये हमारी जो स्किन को लाइटनिंग करती है, सॉफ्टन करती है, हमारे पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है। जो लोग पार्लर में जाकर पपाया का फेशियल करवाते हैं, कई पार्लर्स तो ऐसे हैं कि वो पपाया फेशियल के साथ कोई भी ब्लीच दे देते हैं या फिर फ्रूट ब्लीच दे देते हैं, लेकिन अगर पपाया फेशियल के साथ पपाया ब्लीच लेते हैं तो हमारे फेशियल का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा एनहेंस होकर आता है, क्योंकि पपाया ब्लीच भी हमारी पिगमेंटेशन के लिए बनाई गई है और पपाया फेशियल भी हमारे पिगमेंटेशन के लिए बनाया गया है। मोस्टली वही लोग पपाया का फेशियल कराते हैं जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है या डलनेस होती है, इसके अलावा पिगमेंटेशन होती है स्किन पर या फिर फेस पर ब्लेमिश वगैरह होती है, तो ब्लेमिश वगैरह के लिए पपाया फेशियल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मोस्टली पार्लर्स में पपाया फेशियल पिगमेंटेशन वाली स्किन पर ही दिया जाता है। ये प्योरस ब्रांड का ओरिजिनल ब्लीच है और इसकी जो MRP है वो 499 रुपीज़ है। इस पर डिस्काउंट चलता रहता है, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर क्रीम दी गई है ये ब्लीच क्रीम है। इसके अलावा इसमें एक एक्टिवेटर है जो कि नॉर्मली सभी ब्लीच क्रीम में आते ही हैं, ब्लीच और एक्टिवेटर तो सब में होते ही हैं। इसके अलावा इसमें प्री ब्लीच क्रीम भी दी हुई है जो कि हमें ब्लीच से पहले अप्लाई करनी होती है। ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर देती है, किसी भी हार्शनेस को हमारे फेस पर रिएक्ट नहीं होने देती है। कई ब्रांड में तो ये प्री ब्लीच क्रीम आती नहीं है, लेकिन इसका होना ज़रूरी है, इसे हर ब्लीच क्रीम में होना चाहिए जिससे कि हमारी स्किन सेफ हो। इसके अलावा इसमें पोस्ट ब्लीच जेल भी दिया हुआ है जो कि नॉर्मली बहुत सारे ब्लीच में तो आता ही नहीं है। पोस्ट ब्लीच क्रीम जो होती है ये हमारे फेस पर कोई भी रेडनेस या कोई भी इरिटेशन हो जाती है उसको सूथ कर देती है, स्किन को कूलिंग इफेक्ट देती है। इसे हमें अपने फेस पर ब्लीच के बाद अप्लाई करना होता है। ब्लीच करने से 2 मिनट पहले हम प्री ब्लीच क्रीम अप्लाई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने अपने फेस को VLCC की क्लींजिंग मिल से क्लीन कर लिया था। उसके बाद हम अपनी प्री ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले अपने फेस के हिसाब से निकाल लेंगे। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं, अगर आपको नेक पे भी कवर करनी है तो आप उसके हिसाब से ज़्यादा निकाल लें। इसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 चुटकी इसमें एक्टिवेटर ऐड कर लिया है। हमारी क्रीम में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। इसके बाद हमें सबसे पहले इसे अपने अपर लिप्स पर अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे थोड़े बाल होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर काफ़ी लाइट बाल हैं, किसी किसी के काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और बड़े होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करने चाहिए। उसके बाद हमें साइड ब्लॉक्स पर अप्लाई करनी है, जो हमारे साइड में बाल होते हैं कानों के पास, वहाँ के बाल थोड़े बड़े भी होते हैं और थोड़े हार्ड भी होते हैं, तो हमें वहाँ पर पहले अप्लाई करनी है। उसके बाद हमें पूरे फेस पर ब्लीच को अप्लाई कर लेना है। 5 मिनट के बाद हमारी ब्लीच क्रीम फूल जाएगी, उसे हम अपनी उंगली से अच्छी तरीके से फेस पर अप्लाई कर लेंगे, और उसे 10 मिनट के बाद मैं अपने फेस से रिमूव कर दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूंगी। उसके बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। उसके बाद एक आइस क्यूब लेके मैं अपने फेस की 5 मिनट तक मसाज करूँगी, जिससे कि मेरे पोर्स जो ओपन हो गए हैं वो क्लोज हो जाएँ, क्योंकि ब्लीच करने से हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। 5 मिनट तक मैं इसकी मसाज दूंगी। उसके बाद जब फेस ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं ये पोस्ट ब्लीच जेल अप्लाई करूँगी, इससे मेरी स्किन काफ़ी सूद रहेगी और काफ़ी मॉइस्चराइज हो जाएगी। कई बार ब्लीच के बाद हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये हमारे फेस को मॉइस्चराइज करता है, हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट देता है और हमारी ब्लीच प्रॉपर तरीके से होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।